अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अल्लाह ताला बड़ा गफ़ूर रहीम है। वो जिस चीज़ का इरादा कर लेता है वो काम हो जाता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि पूरी मखलूक अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह जिससे चाहे अपना दीन का काम ले सकता है। आज हम आपको एक ऐसा वाक्या बताएंगे जिसमें अल्लाह ताला ने एक मंदिर के पुजारी को हाफिज़े कुरान बना दिया और उसे तरावीह की नमाज़ पढ़ाने की तौफीक अता फरमा दी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरों को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले निशान को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। शाबान की तारीख है, रामपुर की शाही जामा मस्जिद में कोई तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज़े कुरान ने ही इमाम साहब परेशान, पूरा इलाका ढूंढ लिया, कोई हाफिज नहीं। परेशान होते रहे अचानक ख्याल हुआ कि वक्त के कुतुब आरिफ बिल्लाह जमालुल औलिया हाफिज जमालुद्दीन नक्शबंदी अलैहि रहमा हयात से हैं। इमाम साहब ने सोचा कि लाओ चलो चलते हैं उनके पास, पहुंच करके अपना मुद्दा रखते हैं, वही कोई सूरत निकाल देंगे। आ गए हाफिज साहब। बोल इमाम साहब बोल पड़े, हुजूर आज 29 शाबान है, चांद हो जाएगा तो तरावी होगी, लेकिन कोई हाफिज कुरान नहीं मिल पाया है, तरावी कैसे होगी? बोलो। जमालुल औलिया थोड़ी देर तक निगाहें नीची किए रहे और निगाहें नीची किए बोले, जा मौलाना जा जा, आज तरावी नहीं होगी, जा। इमाम साहब बोले, हुजूर आज 29 तारीख है, चांद होगा तो होगी। जमालुल औलिया को वजदाता फरमाते, कहा ना मौलाना, जाज नहीं होगी। बोल। इमाम साहब कहते, हुजूर आज 29 तारीख है, जमालुल औलिया फरमाते, मौलाना आज चांद निकलेगा ही नहीं, जा। इमाम साहब वापस चले आए, कहीं से कोई शहादत नहीं मिली। लेकिन रात को ईशा की नमाज के बाद जब बिस्तर पर लेटे तब ख्याल आया, कल तो 30 तारीख है, कल तो बगैर देखे लोग तरावी पढ़ने आएंगे, कल का क्या होगा? इमाम साहब दौड़े फिर आए जमालुल औलिया की बारगाह में, पैर पकड़कर झूम पड़े, बोले, हुजूर कल आज तो काम चल गया, लेकिन कल का क्या होगा, कुछ इंतजाम कीजिए सरकार। जमालुल औलिया फरमाते हैं, मौलाना जा चुपचाप सो जा, जा जा जा। सुबह सवेरे उठना, फजर की नमाज पढ़ाना और नमाज पढ़ाकर मस्जिद के दरवाजे से बाहर आना। बाहर जब मस्जिद के दरवाजे से निकलोगे तो जो भी आदमी तुझे मिल जाए, जो पहले तुझे मिले उसे पकड़ के सीधे मेरे पास लिए चले आना। इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाकर मस्जिद के दरवाजे से जैसे बाहर निकले, इत्तफाक से एक पंडित जी बेचारे खूंटी वाली खड़ा उन पहने, हाथ में घंटी लिए, लोटा में पानी लिए चले जा रहे हैं। खड़ा उन खटपट कह रही है, घंटी टुनटन कर रही है, खटपट टुनटन टन टुन खटपट, समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे वाला बोल रहा है कि ऊपर वाला बोल रहा है। ये बेचारे चले जा रहे हैं, मौलाना ने देखकर आवाज दिया, ओए पंडित जी। पंडित जी पीछे मुड़कर देखे, बोले, मुझको? कहा, हाँ पी को। कहा, कहिए मौली साहब, सब कुशल मंगल खैरियत? का साहब ठीक है। कहा, कहिए क्या आदेश है? कह रहे, आपको बाबा जमालुल औलिया ने बुलाया है, चलो। पंडित जी बोले, मौलवी साहब, मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, सिर्फ नाम सुना हूं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बुलाए हैं तो चलूंगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, मैं पहले क्रिया कर्म कर लूं तब चलूंगा।
मौलाना बोले क्रिया कर्म नहीं, पहले वहां चलो। बोल दो, अरे बोलो जोर से। जब पंडित जी चल पड़े जमालू लौलिया की बारगाह में, तब मौलाना ने दांत पीस कर कहा, चलो बच्चू, जाने के बाद इस लायक बचबे नहीं करोगे कि वहां फिर वापस लौटने की नौबत आएगी। चलो। जैसे ही पंडित जी आए, वैसे ही जमालू लौलिया देखकर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाए, पंडित जी आ गए? कहाँ हुजूर आ गया। तब जमालू लौलिया फरमाते हैं, पंडित जी देखो ना, इन साल बड़ा गड़बड़ हो गया। का क्या हो गया? लौलिया फरमाते हैं, देखो ना, कोई हाफिज कुरान नहीं मिल रहा है, तरावी कैसे होगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि पंडित जी इन साल तरावी तुम ही पढ़ा दो। पंडित जी बोल पड़े, हुजूर मैं पंडित हूं, पंडित। जमालू लौलिया फरमाते, पंडित हो तो क्या हुआ, तरावी पढ़ा दो। पंडित जी कहते, हुजूर मुझको तो पहला कलमा भी याद नहीं, ये 30 पारा कैसे सुनाऊंगा। जमालू लौलिया कहते, पंडित जी हिम्मत मत हार, हिम्मत करना तेरा काम, पढ़ाने के लायक बनाना मेरा काम। पंडित जी नहा कर आए हो? हाँ। पाक पवित्र हो? हाँ। जरा मेरे करीब आजा। आ गए। जरा मेरी बाहों में बाहें डाल, डाल दीगा। जरा मेरे सीने से सीना सटा, सटा दीगा। जरा मेरी नजरों में नजरें डाल, डाल दीगा। अब जमालू लौलिया फरमाते, पंडित जी जब बाजुओं में बाजू डाल दीगा, सीने से सीना सटा दीगा, नजरों से नजरें मिला लीगा, तो पूरी ताकत से पकड़ कर मुझको दबोच ले, दबोच भी ली। तब जमालू लौलिया फरमाते, पंडित जी जब सीने से सीना सट गया, नजरों से नजरें मिल गई, और दिल से दिल जब करीब हो गया, तो जिस तरह बचपने में अपनी मां का दूध पीते थे, मेरी जबान अपने मुंह में डालकर पीना शुरू कर दे। पंडित जी मुंह में जबान डालकर पीने लगे। अभी पंडित ने थोड़ी ही देर जबान पिया था कि जमालू लौलिया फरमाते, पंडित जी बोल कहां तक पहुंच गए? पंडित बोल पड़ा, हुजूर 10 पारा मुकम्मल हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा, आप कहां तक पहुंच गए? कहा 20 पारा मुकम्मल हो गया। जमालू लौलिया थोड़ी देर के बाद फरमाते, पंडित जल्दी बोल, नहीं तो सीना फट जाएगा। कहा 30 पारा मुकम्मल हो गया। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि यह बात जरूर आगे लोगों तक पहुंचाएं। दीन की बातें एक दूसरे को भेजना सदकाए जरिया होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।